नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ एक बार वापस से एयरपोर्ट पे, लेकिन इस बार मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घूमने गोवा, और घूमते हुए शाम को वापस रहूँगा, बिकॉज हम जा रहे हैं सिर्फ गेड़ी मारने। और साथ में है, घूमने तो नहीं जा रहे, गेड़ी मारने जा रहे हैं। और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से अपने ऑफिस में, थोड़ा पेपर वर्क करूँगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सेप्टेंस लेते हैं एयरक्राफ्ट की, वी चेक दैट एवरीथिंग। भाई ये सब बातें बाद में बताएंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। अब बताओ। तो मैं कह रहा था कि अभी मैं जाऊँगा डिस्पैच ऑफिस, वहाँ से अपना एयरक्राफ्ट और पेपर वर्क साइन करूँगा। बेसिक मोटी मोटी चीज़ें हम लोग करते हैं, वेदर देखते हैं, एयरक्राफ्ट देखते हैं, फ्लाइंग पाथ वगैरह। फ्लाइंग पाथ तो सब डिस्पैच तैयार करता है। एयरलाइंस में ऐसा होता है, अगर आप प्राइवेट जेट फ्लाई करते हैं ना, तो सारा काम पायलट करता है। ओके, बट बड़ी एयरलाइंस में अलग से डिस्पैच ऑफिस होता है, वो सब लोग देखते हैं। वी जस्ट सी एवरीथिंग इज डन एंड वो सब लीगल उसके, है, उसके उसके है। उसके बाद प्लेन की चाबी लेके, प्लेन की चाबी भी उठानी मेरे को ऊपर से और पेट्रोल चेक करना। भाई का हर जगह खाता चलता है, एटलीस्ट एयरपोर्ट में चलता है। गौरव भाई ना एक बात बोल रहे थे कि मतलब गोवा में एयरपोर्ट में कुछ खास है, गोवा मतलब रनवे में, मतलब क्या खास, क्या गोवा दोनों चीज में खास है, रनवे में भी कुछ खास है, एयरपोर्ट में भी कुछ खास है। एयरपोर्ट का जो खास है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं। ओके, बिकॉज आई हैव बीन फ्लाइंग विद लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स, सो दे हैव टोल्ड मी, गूगल पे भी शायद नहीं है, कि जो एयरपोर्ट है गोवा का वो गिफ्ट किया गया था। अच्छा, क्या पोर्टुगीज से? हाँ, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, तो अच्छा, वो ऐसा गिफ्ट सुवेनियर दिया था, उसके बाद से अब तो इंडियन गवर्नमेंट तो के बेसिकली पास जब इंडिया का वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, उससे पहले एयरपोर्ट था वहाँ पे, तो इंडिया को एयरपोर्ट बना बनाया मिल गया। हाँ, वो गिफ्ट किया था। ओके, उस समय की गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों ने गिफ्ट किया था, जिनका भी कंट्रोल था उस एयरपोर्ट पे। सेकंड जो सबसे अमेजिंग चीज़ है, ऐसे सिर्फ दुनिया में 3 या 4 रनवे हैं रोड क्रॉस करती रनवे को, और वहाँ ट्रैफिक जाता है। अच्छा अच्छा, मेरे को मालूम था कि इंडिया में ऐसा है, बिकॉज हम एक फोटो ना, फोटो वो एक हाईवे से निकलता है, एक जो फोटो बहुत ही कॉमन मिलती है गूगल पे। हाँ, एक वो तो बाहर है, बट यहाँ पे है, क्योंकि ये एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। हाँ, तो आज जो बाजू ना नेवी वाले रहते हैं, पूरी कॉलोनीज है उनकी। ओके, तो जैसे ही एक रनवे जाता है तो एक सिग्नल में बैठा रहता है कि अगर एयरक्राफ्ट नहीं आ रहा, ट्रेन की तरह फाटक खुला, फाटक बंद हुआ और फ्लाइट लैंड। हम लोगों को तो दिखता है वहाँ लोग जा रहे स्कूटर वोटर से, बट पीछे नहीं दिखता। बट हाँ, क्या बात है, इंटरेस्टिंग चीज। आज मैं कोशिश करूंगा कैप्चर करने की, अगर हो पाता तो आप देखना लाइव, जितना गूगल पे सर्च करो दिख जाएगा आपको। पायलट के बैग में कुछ और मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपना सामान जरूर गौरव भाई साथ लेके चलते हैं। नीचे से क्या निकला था, मसाला क्या मिक्स कर रहे हो भाई? मतलब ये पायलट, बाकी पायलट का तो पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये लेके चलता हूँ, इसके अंदर सारे मेरी चाय, दूध, मतलब आपातकालीन स्थिति में अगर जहाज को पानी में उतारना पड़ जाए तो पानी तो अपने पास है, और मिल्क और चाय को कप्तान के पास मिल जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं। लंबे समय तक थोड़ा गुजारा हो सकता है। पैसेंजर्स को किसी भी तरह की कोई भी देरी ना हो और फ्लाइट एकदम टाइम से लैंड हो जाए, तो गौरव भाई उसके लिए चाबी लेके आ चुके हैं प्लेन की, और अभी जाके इंजन स्टार्ट करने वाले। चाबी मेरे पास ही है, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। बोर्डिंग शुरू, मैं अपनी सीट पे, गौरव भाई अपनी सीट पे, चलिए उड़ान भरते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ गौरव भाई की टेक ऑफ और लैंडिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस फ्लाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वन टू थ्री, भागो, दौड़ो, भाग, और भाग, 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 और भाग, भाग। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। आ, आ, भाई लैंड कराओ भाई, मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं
सीधा सीधा सीधा, बस 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 बस। देखो भाई लैंड करना है अब अपने को भाई, तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। गोवा में डन, 15 मिनट पहले लैंड करा आपका मैंने। हाँ। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया अपने को टाइम से पहले। गोवा में अभी रनवे क्लोजर है। हाँ। एक घंटे का मैंने वो रोड देखी, पीछे फाटक देखा साइड में, दिख गया। तो अभी मिलिट्री फ्लाइंग होगी एक घंटे तक, तो वी हैव टाइम, हम लोग अभी बाहर घूम के आएंगे एक और गेड़ी मार के आएंगे। तो दिस इज द फ्यूल फॉर आवर नेक्स्ट सेक्टर, 12.3 टन का फ्यूल है। कुछ भी कहो कैलकुलेशन तो मालूम है, लेकिन हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है इनकी है। अच्छा। मेरी तरह समझ ना पाते। मुझे सख्त मना किया गया ये बनाने के लिए। सही है, मतलब बटन दबा दो ऑटो पायलट का, उसके बाद में सही है। सो हम निकल के आ चुके हैं आगे, लेकिन गौरव भाई अपने हैं पीछे, अभी सिक्योरिटी करा रहे हैं गोवा के। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी आप गोवा से फ्लाई करते हैं तो आपको दिखते हैं पैसेंजर जो कि वेकेशन मोड में होते हैं, उनको देख के लगता है सर टेंशन ही नहीं है जिंदगी में, हमेशा वेकेशन में। अभी वेकेशन जा रहे हैं सर? नहीं, मैं तो ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल काम से आ रहा है, बट मैं कह रहा हूँ मोस्टली पैसेंजर जो है आप दिख जाता है कि हाँ ये छुट्टी बना के जा रहे हैं। आराम से गौरव भाई, बहुत टाइम अपने पास। तो गौरव भाई पूरा सामान लैस से आए हैं, लैपटॉप आईपैड, तो फ्लाइट में उन्होंने काम निपटाया थोड़ा। नहीं, फ्लाइट में इधर तो सोया हूँ भाई। सो गए? आपने एकदम स्मूथ सेल करवाई, मैं बीच में क्या कोहरा ही कोहरा चारों तरफ देख के मेरे को नींद आ गई। तो अब मैं गौरव भाई के लिए स्पेशल चाय बनाऊंगा। गौरव भाई चाय पियेंगे आप स्पेशल? अभी 2-3 दिन पहले मैं और निखिल रात में थे, बैठे थे रूम में, रात को आई थिंक चाय पार्टी करी हमने सुबह 5 बजे तक, देखा मैंने। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगली चाय गौरव भाई के साथ, लेकिन किसी को ये क्या बता दो कि चाय पीने के लिए हम गोवा आ जाएंगे और फ्लाइट में चाय बना के पिएंगे। गरम पानी में जितना देर आप छोड़ेंगे चाय की पत्ती को, उतना फ्लेवर देखिए, रंग देखिए। दुनिया का पहला पैसेंजर है जो कैप्टन की हाथ की चाय। एग्जैक्टली। और बेस्ट चीज़ है आखिरी में लोग ना ये छोड़ देते हैं, मूड बचती ना जो, इसी में मेन मसाला है। क्या ये देखिए, इतने 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 लाइफ हैक आपको और कहीं नहीं मिलेंगे भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं विच सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। सही है। और भाई की चाय रेडी है भाई, पी के बताओ कैसे है। कैमरा मेरे को दे दो भाई। इलायची खुशबू बाहर बाहर तक निकल निकल के आ रही है। हाँ। स्ट्रॉन्ग कड़क चाय, मजेदार। मतलब मैं चाय एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चाय अच्छी है। फ्लाइट में बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बड़े दिनों के बाद मैंने इंडिया का डोमेस्टिक ट्रैवल किया, और वो भी ऐसे तो इकलौता इंसान हूँ जो गोवा गया हूँ, मतलब क्रू के अलावा ऑफ कोर्स, कि एयरपोर्ट से बाहर नहीं गया और वापस से
नहीं वो जैसे बोले तो कई बार नेता लोग जाते हैं यहीं पे और सिटी में एंट्री नहीं मिलती एयरपोर्ट से वापसी, तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि एयरपोर्ट और एयरपोर्ट दाखिला नहीं मिला गोवा में। आप नहीं आ सकते, आप जाके वीडियो बनाइए। सही। तो सुबह निकले थे हम दिल्ली से कुछ 12:40 पे और अभी 7:20 हुए हैं और 7:20 में वापस दिल्ली आ गए हैं। जल्दी भी आ गए टाइम से पहले। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब से आप एयर एशिया में आए हो भाई, पहले इंडिगो में भी इनफैक्ट, कि मतलब थोड़ा तो ट्रैफिक जरूर बढ़ा होगा कि लोग रैंडमली आते होंगे देखने के लिए कि भाई क्या पता बाई चांस गौरव मिल जाए फ्लाइट में। हाँ, फिर मैं अपनी एयरलाइन खोल देता हूँ। 100% चांस। दोस्तों लौट के गौरव घर को आए, मतलब लौट के गौरव होटल में आए। सुबह से निकले गोवा गए, आपकी तो नौकरी हुई, मेरा टाइम पास हुआ, लेकिन काफी मजा आया भाई फ्लाइट में। मतलब ऑल थ्रू आउट मैंने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा सुकून मिला मेरे को एयर एशिया की नरम फ्रंट रो की लेदर सीट्स पे। वो क्या बोलते हैं, रेड हॉट सीट्स होती है, रेड हॉट सीट्स होती है, बिकॉज़ पीछे वो लाल रंग का कुछ वो मार्किंग बनी होती है कि हाँ मतलब ये रेड हॉट सीट्स है। अरे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि रो क्रमांक 1-2 या जो भी, हाँ वो सिर्फ रेड हॉट पैसेंजर्स या यात्रियों के लिए गर्मा गर्म लोगों को दी जाती है। और आई थिंक ये पहले पैसेंजर होंगे जो सिर्फ गए घूम के सिक्योरिटी से ठप्पा लगवा के, ये ठप्पा लगवाने गए थे और वापस आ गए। लेकिन काफी फन रहा भाई, बहुत मजा आया पूरे ट्रिप में। आई थिंक कुछ 10-12 घंटे का पूरा एक्सपीरियंस था, लेकिन जाना आना मेरे लिए थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज मैं दिल्ली आया था ऑलमोस्ट एक हफ्ते से और बॉक्सेस वगैरह क्या क्या कितने इधर फोन्स ये सब सारा सामान फैला पड़ा है, तो मतलब कितना इंसान करेगा यार। हो गया था बोर, चलो लगा चलो गोवा घूम के आते हैं फन के लिए, तो फन हो गया अपना गोवा का, गोवा की ताजी हवा में ली। दोस्तों बस फ्लावर में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मुझे और सेम नाम नहीं नाम से मैं चैनल का नाम अलग है फ्लाइंग बीस्ट, इधर हमारे भाई साहब, तो प्यार बनाए रखो। मैं थोड़ा ब्लॉग कम डालता हूँ लेकिन फिर भी आ जाओ इधर, और इधर तो अगर आप आओगे तो आपको रोजाना या दोनों जगह प्यार दो भाई, बहुत कुछ मिलेगा और आगे और मसाला भी तो होने वाला है अभी, तो इधर भी बाकी कहानी आज दिन भर की इधर आने वाली है। कैमरा तैयार है इस तरफ, अभी हम जा रहे हैं कुछ बहुत बढ़िया शूट करने। हाँ तो चलो आगे मिलता हूँ आपसे वीडियो में, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे वंदे मातरम।